किसी को। बलवंत तेरी पकड़ी गई, बाद में तू मुझे बताएगा। क्या बाद में बताएगा मुझे? फिर से अकेले में बात क्या बात करेगा? क्यों क्या बोल तो क्या? एक मिनट धीरे बोल, तुम तो साफ बोल दिया ना तुम्हें तो टाइम पास कर रहा है। मैं इसके साथ टाइम पास कर रहा हूं। तूने अभी बोला तेरे साथ टाइम पास कर रहा हूं। तुम मतलब बोला रख के तू सिर्फ प्यार करते है। अरे बात कर रहा है, एक मिनट उससे। चुप रह, तू चुप रह। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ दीपांशी से। दीपांशी कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया हो तो दीपांशी, आपने मेरे को कैसे सर्च किया? मतलब मैंने आपको यूट्यूब के थ्रू देखा था, मैंने आपको फिर इंस्टा पे DM करा, देन आपने रिप्लाई करा। सो मुझे अपने बॉयफ्रेंड को एक्सपोज करना था। एक्चुअली मैं देख, मुझे सब पता ही है, बट मुझे अपनी फैमिली को दिखाना है कि मेरे को वो चीट कर रहा है। एक्चुअली चीट कैसे कर रहा है? आपको कैसे पता जी मतलब वो आपको चीट कर रहा है? कल रात मैं उसके साथ थी, तो क्या हुआ, मैंने उसका देख लिया फ़ोन, उसकी फिंगर सेंसर में देखा लगा के, उसका फ़ोन पूरा चेक करा। तो मुझे तो पता है वो चीट कर रहा है, बट मुझे एक प्रूफ चाहिए कि वो मुझे डिच कर रहा है। तो मतलब आप प्रूफ किस लिए चाहते हो? घर पर दिखाने के लिए? घर पर दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर का फैमिली प्लान है शादी का। हाँ जी, और आपको पता है इंडिया में लड़का डिच करेगा तो नाम तो लड़की पर ही आता है, कैरेक्टर पर ही लड़की। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं जैसे आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उसको एक रंगे हाथ पकड़ लो। वो इसी लोकेशन पे आने वाला है अपनी न्यू बंदी के साथ। अच्छा। अब मुझे उसको रंगे हाथों पकड़ना है। ठीक है, आपने उसको कल जब आपने उसके फोन में देखा था कि उसकी मतलब चिट चैट चल रही थी उसके साथ, तो आप मतलब आपने ये चीजें पढ़ी थी कि वो आज इसी लोकेशन पे आने वाला है, इसलिए आपने मेरे को इस लोकेशन पे बुलाया ताकि हम लोग हिडन कैमरा लगा के उसे एक्सपोज कर पाए प्रॉपरली। और मैं आपको बता दूं, दीपांशी इसलिए चाहती है अपने बंदे को एक्सपोज करना क्योंकि यार दो साल से रिलेशनशिप में लड़की, ठीक है, और घर पे फ्यूचर प्लानिंग सब हो चुका था, घर पे शादी वादी की सारी चीजें हो चुकी थी। अब वो चाहती है कि यार आपको पता है इंडिया के लोगों की सोच कैसी है, अगर लड़का गलत भी करके जाता ना तो भी नाम लड़की का ही खराब होता है। यार लड़की में कोई कमी होगी तभी शादी नहीं हुई, लड़की में कोई कमी होगी लड़की ने धोखा दिया होगा, लड़की में कोई कमी होगी तभी रिश्ता टूट गया। तो मतलब लड़की को ना मतलब सारे सबूत चाहिए, इसलिए हमने हिडन कैमरा यहाँ पे लगाया और इसलिए रात को देख लिया था कि वो आज किसी से मिलने। कितने बजे का टाइमिंग दिया था? 3:40 और यहाँ पे अभी हो रहा है 2:45, तो मतलब ये लगा लो हाफ एन आवर रह चुका है। हम लोग वेट करेंगे उसका, लड़के का, जो कि वो नई बंदी से मिलने वाला है। तो इसने अभी कल उसको कुछ नहीं बताया रात को कि मेरे को सारी करतूतें पता है, तेरे सारे कांड पता है। ये जैसे इसको रंगे हाथ पकड़ना चाहती है, ये हेल्प चाहती है मुझसे, ठीक है, ताकि कल को इसके कैरेक्टर पे कोई बात ना आए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग आज हम लोगों ने दो कैमरे यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे दो आए हैं मेरे आज, एरिक और अर्श, दोनों ये दोनों शूट कर रहे हैं और दोनों ही कैमरे लगेंगे क्योंकि यार थोड़ा रिस्की हो सकता है ना, जैसे क्योंकि रंगे हाथ पकड़ना है तो दो कैमरे सेट हो गए, एक तो जो हम पे लगेगा और एक दूसरा जो हम लोग उन पे लगवाएंगे कैमरा, जो वो इसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और के साथ आने वाला है। सो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे और देखते हैं, अभी टाइमिंग का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, तो बने रहो आप। अभी तक तो आए नहीं है गाइस यहाँ पे, अभी टाइम क्या हो रहा है, पूरे 3:15 हो चुके यार। ये तो नहीं है, एक बार देखो अच्छे से, देखो अच्छे से देखो। हाँ, वही है वही है वही है वही है। हाँ जी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ जी। तो इसका बंदा तो आ चुका है और किसी नई लड़की के साथ आया, तो अब क्या करना है? जो हमारा प्लान है आपको बता दिया मैंने कि इसको रंगे हाथ पकड़ना है ना आपको, ठीक है, तो अभी देखते हैं। पहले भाई कैमरा दो सेट होना चाहिए, है ना, कैमरा दूसरे वाला चालू है ना भाई, उन पे फोकस चल। तो चलते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है यार किसी और के साथ देख के उसको? इसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? कौन है तू? कौन है बहन? बात कर रही हूँ मैं तुमसे। कौन है? कौन है? खड़े तो हो जाओ, एक बार बात तो कर लो। क्या? गर्लफ्रेंड है मेरी। और मैं कौन हूँ? मेरी बात सुनो, इधर आओ, आराम से बात करते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, आओ। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है ये? हाँ जी। और मैं कौन हूँ? आप भी गर्लफ्रेंड हो? आप भी गर्लफ्रेंड हो भाई? शट अप, भंडार चल रहा है इधर। आप भी गर्लफ्रेंड हो? ये भी गर्लफ्रेंड है? तो चुप, ये बता, मैं जो तुम्हारा काट रहा था दो साल से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया तुम्हारे में से। इंटरेस्ट खत्म हो गया? ऐसे बात, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट खत्म हो गया तो साफ बोलना चाहिए। बोल देता भाई, क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकते हो? नहीं है क्या कर सकता हूँ, होकर है ना, भी तू मेरे को बोल सकता था। क्या बोलू मैं, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया तेरे में से। तो पहले बोलता ना, तू ये बता, बोल रहे मुझको क्या करूँ, नहीं था मेरा मन तेरे से बताने का।
कितने टाइम से चल रहा है? कितने टाइम से चल रहा है? छह महीने से चल रहा है और दो साल तो उसका काट रहा था मतलब। अब छह महीने से तू मुझे ऊपर से इतना डिच कर रहा है? तुम्हें पता था इन सब इन दोनों के बारे में? मुझे पता होता तो मैं क्यों रहती साथ? लड़की के घर पे शादी की बात हो रखी है। मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ा पता था तो तुम्हें अपने बंदे की थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए ना। इंक्वायरी क्यों करूं? पर टाइम पास करो। टाइम पास तो इसके साथ किया था, तेरे साथ भी करता, तेरे को भी छोड़ देता, अगली पटाता। अच्छा तो ये क्या धंधा है? क्या ये बता, तेरा धंधा है यही करता है? धंधा ही समझ ले इसे। पागल पागल है क्या तू? थोड़ा क्या कर क्या रहा है तू? इसका नाम क्या है? संदीप। संदीप क्या कर रहे हो यार तुम? प्यार से बात कर ले पहले। ये क्या है मतलब? लड़की कोई मैं इसकी बहन हूँ, इसकी बहन हूँ मैं। तूने तो बताया नहीं तेरी कोई बहन है। तेरे को क्या मतलब? तू मुझे जब डिच कर सकता है मैं तेरे को इतना नहीं बता सकती क्या मतलब? मैं बताऊँ बताओ तू क्या कर लेगा? जा फिर से बात नहीं करनी मेरे को। तो किससे बात करनी है अब? तुझे पहले सब बताना है क्या चल रहा था तुझे। तेरे को तो बाद में बताऊंगा। मुझे क्या बाद में बताएगा? मैंने थोड़ा बुलाया किसी को। तुम दो महीने, तुम कितने महीने से रिले? मैं कितने भी महीने से हूँ, it doesn't matter। मतलब मैं छह महीने से तो मेरा प्यार कम है, दो साल से तो उसका प्यार ज्यादा है। फिर भी उसको भी तो हर्ट हुआ है ना यार। तो मैं बात करने दो ना, तुम मुझे भी तो चढ़ रही हो। कर तू कर क्या बोल रही? कर मैं भी खड़ी ना, कर यार। मैं पता मुझसे झगड़ा करना चाहिए तो मुझसे झगड़ा कर रही हो, जब हमारा कोई रोल नहीं आ रहा तो मुझसे झगड़ा करो। अरे चल क्या रहा है? क्या मैं खेल रहा था इसके साथ? मतलब लड़कियां तुम्हें खिलौना समझेगा, उसको खेला और छोड़ दिया। अच्छा लड़कियां खिलौना है तेरे लिए? अच्छा यूज करेगा और डस्टबिन में फेंक देगा क्या? और ऐसे लोगों के घर में बहने पैदा भी नहीं करता। कोई नहीं समझा? कोई नहीं। और तुझे क्या लगता है ऐसे जान देगी तेरे को? ऐसे ऐसे जाने देगी क्या? जो दो लड़कियों की जिंदगी से खेला है दो साल उसके साथ, छह महीने उसके साथ, छोड़ देता तेरी शादी होती नहीं होती? होती ना शादी? मतलब उससे शादी के प्रॉमिस करे? मतलब शादी की नहीं करे? नहीं करे? नहीं करे? शादी के प्रॉमिस करे? झूठा इंसान है तू। तूने क्या बोलता कि घर वाले से कम मिला रही है? लड़की को इंटरेस्ट खत्म हो गया यार। हमारे भी लावा है ना, होगी ना कोई? नहीं अभी सोच रहा हूँ करूँ। हाँ सोच तो, अब तू कर। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी लड़की के लिए ऐसा बोल रहा तू? टाइम पास करेगा और छोड़ देगा, तेरे को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अरे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या तेरे को? सिखाया? माँ तो होगी तेरी, माँ तो होगी घर में, बहन नहीं है तो माँ तो होगी है ना?
तेरी माँ भी करेगी ना ऐसे तेरे बाप के साथ, तेरे को तब पता चलेगा तेरे को कैसा लगता है। तेरे बाप पहले तो रोएगा ना तब, ठीक है? उसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी माँ के बारे में बोल दो, उसके बाप के बारे में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में जीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लड़कियों के साथ खेल रहा था ना, बोला के दूसरे को लेके जाऊंगी, चल चल डर लगता है। दो लड़कियों के साथ खेल रहा था ना, खेल रहा था ना दो लड़कियों के साथ, पुलिस वालों के पास लेके चलती उधर को। क्या हाथ कैसे खींच रही है, हाथ कैसे खींच रही, क्या होता है? थप्पड़ मारना चाहिए, बात करो ना, आराम से बात करो। ओह माय गॉड, थैंक यू, आप मुझसे आराम से बात कर रहे हो क्योंकि बॉयफ्रेंड तो मेरा पकड़ा गया है। चले तू यहाँ से निकल, चल। कौन है तू, क्या हुआ, बीच में कैसे आ रहा है, तू कौन है?